जिम व्यवसाय विगत 3 महीनों से बंद होने और 60% जिम किराए पर होने से दुकान मालिक किराए की मांग कर रहे हैं, अन्यथा खाली करने का दबाव बना रहे हैं। इस समस्या को लेकर जिम एसोसिएशन इंदौर ने आज इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को ज्ञापन दिया। इस बीच कलेक्टर ने जिम एसोसिएशन के सदस्यों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे जिम अभी खाली न करें, जल्द ही इंदौर के लिए जिम की नई गाइडलाइन के तहत शुरू करने के लिए तैयारियां की जा रही है। इंदौर से राकेश सच्चर के साथ मंथन की रिपोर्ट। आज आप लोगों की कलेक्टर सर से मुलाकात हुई है, क्या इशू थे आपके और किस तरह की बात पर सहमति हो रही है? देखिए, सबसे बड़ा इशू अभी जो जिम संचालकों के साथ आ रहा है वो आ रहा है किराए का। लगभग 80-90% जो इंदौर के जिम है वो किराए पर है। किराया छोटे जिम का 25,000 से लेकर बड़े जिम का 4-5 लाख महीने तक का। आज कलेक्टर साहब से वही रिक्वेस्ट हम कर रहे थे कि कई मकान मालिक बोल रहे हैं कि आप खाली कर दो। इसमें कलेक्टर साहब ने स्पष्ट कहा है कि आप किसी को भी खाली करने की जरूरत नहीं है। बोले अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे लिस्ट दें, मैं उन मकान मालिकों से बात करूंगा, उनको बुलवाऊंगा। तो बोले आप सबको एक समन्वय बिठाना पड़ेगा, थोड़ा उनको भी नुकसान झेलना पड़ेगा, थोड़ा आपको भी, चूंकि सारा बाजार खुलने को लेकर देखिए ऑलरेडी फेज 3 में है। हमने सर से बोला है कि जब भी कोई गाइडलाइन आप बनाए तो इंदौर जिम एसोसिएशन के पदाधिकारियों को या जिम वालों को भी इन्वॉल्व करें, हम लोग बैठ के उस पर डिसीजन लेंगे। स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम लोगों ने एक दिया है जिसमें ट्रेडमिल्स में दूरी करना, स्लॉट्स बनाना, दिन भर जिम चालू रखना, सैनिटाइज करना, ये सब हमने एक SOP दी है जो कलेक्टर साहब को भी व्हाट्सएप करी है। उन्होंने काफी इंटरेस्ट से सुनी और बोला है कि जल्दी वो हम लोगों को बुलाएंगे आगे की स्टेज तय। सुनील रामचंद्र प्रेसिडेंट इंदौर जिम एसोसिएशन। जिम एसोसिएशन मिली है आपसे, क्या उन्होंने मांग रखी और क्या आपकी तरफ से कुछ दिया है? जिम एसोसिएशन के सदस्यगण भी चर्चा हुई हम लोगों की और उनकी अभी तत्कालिक मांग ये नहीं है कि जिम हम चालू करें। उनकी मुख्य समस्या उनमें आ रही है कि जो जिम किराए की बिल्डिंग लेके चल रहे हैं उसमें मकान मालिक उनमें बहुत दबाव डाल रहे हैं और ये बट नेचुरल है कि 2 महीने से अगर जिम नहीं चला है तो इनको भी पैसा उस समय का नहीं आया होगा, या जब जिम चालू होगा, जब भी हम अनुमति देंगे उस समय जो भी मेंबर्स देंगे तो कहीं ना कहीं शेयरिंग करनी पड़ेगी कि मेंबर्स भी थोड़ा शेयर करें इसमें लॉस को, थोड़ा ये जिम के संचालक ये भी शेयर करें, प्लस जो इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, जो बिल्डिंग के मालिक हैं वो भी शेयर करें। इनको समस्या ये थी कि कई ओनर्स इनको दबाव बना रहे हैं कि ये जिम खाली किया जाए, तो मैंने इनको स्पष्ट मना किया है कि कोई भी ओनर ऐसा दबाव नहीं बनाएगा कि ये जिम खाली हो, क्योंकि जिम आने वाले समय में जब भी अनुमति दी जाएगी इनको, ये स्वास्थ्य के लिए, इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है ये। तो मैंने सभी को बोला है कि आप जाइए और कोई भी जिम खाली नहीं होगा अभी, और बाद में बैठ करके बैलेंस करना पड़ेगा जो मेंबर्स का कितना पैसा लेना है, जिम के संचालक जो किराए की बिल्डिंग चल रहे हैं उनको कितना अपना लॉस डियर करना है, और मकान मालिकों को भी रेंट में कुछ बहुत कम करना पड़ेगा। इसमें तीनों जब ग्रुप से ये शेयर करेंगे अपने लॉसेस को तो एक फॉर्मूला ऐसा क्रिएट हो सकता है कि जिसमें कि जो लॉस है 2 महीने का या जो भी 2.5 महीने में जब तक ये जिम नहीं चल रहे हैं तो तीनों में बराबर बराबर पड़ेगा, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। प्रशासन कोई मीडिएटर नहीं कर सकता जरूरत पड़ेगी तो? अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मीडिएट करेंगे। ऐसे केसेस बहुत जगह आ रहे हैं, हॉस्टल में भी ऐसे ही आ रहा है कि हॉस्टल कई ओनर्स की, जो बिल्डिंग के ओनर्स हैं उनकी लाइवलीहुड भी इसी किराए पर रहती है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग के ओनर्स का भी बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए भी कि ये जो किराए की बिल्डिंग दी है इन्होंने उनको उनको रेंट मिल जाए उनको, पर एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आज अगर जिम के संचालक गण या हॉस्टल संचालक गणों ने उनको पैसा नहीं दिया ओनर को, उनको भी बच्चों से या जिम के मेंबर से पैसा नहीं मिला है, कि तीनों को एक साथ बैठ करके सामंजस्य करना पड़ेगा जिससे कि जो प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं उनको भी कुछ राशि मिल सके, हॉस्टल संचालक अपने लॉसेस को कम करके वो भी कुछ राशि ले सकें, लॉसेस उनको नहीं हो, प्रॉफिट न लें वो, और जो मेंबर्स हैं बच्चे एक तरफ या जो जिम के मेंबर्स हैं इनको भी बहुत आर्थिक बोझ न पड़े। सर, फल सब्जी को लेकर निगम ने हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।